भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले पंचनंद की पूरी टीम, उसके सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्य, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया, मंच पर बैठे परमजीत सिंह जी, किशन लाल गुप्ता जी, बहन लक्की जी, संचालन कर रहे हाडा जी, हमारे सामने बैठे जिला अध्यक्ष हरसिमरत वालिया जी और सभी वरिष्ठ जन, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। माताओं और बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमारी गाड़ी चल रही है, क्योंकि खतरे बहुत हैं। धर्म युद्ध की लड़ाई आसान नहीं है। गुरुओं ने धर्म युद्ध किया था, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। श्यामा प्रसाद जी ने एक धर्म युद्ध शुरू किया, जेल में जहर दे दिया गया। दीनदयाल जी ने एक धर्म युद्ध शुरू किया, रेलवे ट्रैक पे मिले। राजीव दीक्षित जी ने धर्म युद्ध शुरू किया, उनको जहर दे दिया गया। तो धर्म युद्ध की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन विशेष रूप से आप सबके आशीर्वाद से ये चल रहा है। आज का दिन बहुत विशेष है, वैसाखी है, और 325 साल पहले धर्म युद्ध के खिलाफ हमारे गुरु ने सिंहनाद किया था। शायद 325 साल पहले अगर हमारे गुरु ने पंच प्यारे के साथ वो युद्ध शुरू नहीं हुआ होता, तो आज हमारा आपका कपड़ा कुछ अलग होता। अगर उस समय हमारे गुरुओं ने धर्म युद्ध शुरू नहीं किया होता, तो हो सकता है मेरे हाथ में रक्षा नहीं होता, हो सकता है हमारी माताओं की मांग में सिंदूर नहीं होता, हो सकता है माताओं के गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हो सकता है कि पगड़ी नहीं होती। आज अगर हम जो कुछ हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान 325 साल पहले शुरू हुए उस धर्म युद्ध को जाता है। इसलिए सब लोग एक बार आइए, अपने पूर्वजों को याद करें जिन्होंने इस धर्म युद्ध के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, जजिया दिया, टैक्स दिया, भूखे रहे, लड़ाई किया, युद्ध किया, बलिदान दिया, सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। सब कुछ किया लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी पृथ्वी पे, उसी भूमि पे जहां हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा धर्म युद्ध शुरू किया और धर्मांतरण के खिलाफ सिख पंथ की स्थापना कर दिया, हर परिवार से एक एक बड़े बेटे को लिया, बोलो चलो युद्ध करते हैं, धर्मांतरण नहीं करेंगे बल्कि युद्ध करेंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे बल्कि सिंहनाद करेंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे बल्कि तलवार चलाएंगे। आज उसी भूमि पे, उसी पंजाब की भूमि पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च इस समय जालंधर में बन रहा। आज हमारे उन्हीं गुरुओं की धरती पे झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, चंगाई सभा करके, कैंसर ठीक करने के नाम पे, बाजपन ठीक करने के नाम पे, गरीबी ठीक करने के नाम पे, नपुंसकता ठीक करने के नाम पे, अलग अलग बीमारियों का इलाज करने के नाम पे चंगाई सभाएं हो रही हैं, और हमारे ही परिवार के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तलवार तो उठाना अपराध माना जाएगा,
उस धर्मांतरण को रोकने के लिए, जिसको रोकने के लिए हमारे गुरुओं ने तलवार उठाई थी, आज अगर हम उस धर्मांतरण को रोकने के लिए तलवार उठा लें तो सबसे पहले मुकदमा तो अपने ऊपर शुरू हो जाएगा। अगर कहीं चंगाई सभा चल रही हो धर्मांतरण कराने वाली और चार लोग तलवार लेके पहुंच जाए तो पहले मुकदमा किसके खिलाफ होगा? जो चंगाई सभा कर रहा है, जो तलवार लेके पहुंचे। जोर से बोलिए जरा, पहुंचे। तो फिर समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान तो इसी संविधान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भारत संविधान से चलता है। भारत संविधान से चलता है तो समाधान तो संविधान से ही निकालना पड़ेगा। पहले मैं इंजीनियर था, मैं मारुति में जॉब करता था और वहां पे जापानियों के साथ काम करता था। वहां से एक बात मैंने सीखी कि कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जापानियों का बिल्कुल उनका बच्चा बच्चा इस बात को कहता है कि कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर है। अगर आपको समाधान करना नहीं आता यह आपकी गलती है, लेकिन कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जैपनीज हर समस्या में पांच बार वाई लगाते हैं, उसको वाई वाई एनालिसिस कहते हैं। आप गूगल करिएगा वाई वाई एनालिसिस, तो किसी समस्या में पांच बार वाई लगाइए। सड़क टूटी, वाई मेटेरियल खराब था, वाई कमीशन हो गया, वाई क्योंकि यहां के घूसखोरों को सजा नहीं मिलती, वाई कानून घटिया है, वाई कानून बनाया नहीं जा रहा। अंत में क्या निकल गया? कानून। अंत में क्या निकला? सड़क टूटने का रूट काज क्या निकला? कानून घटिया। देखिए भाई, ऐसे चुपचाप सुनेंगे तो बात बनेगी नहीं, आपको लगातार हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं आप बोलेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं आप तक एकदम बहिष्कृत पहुंच रहा है। तो सन 2000 में हमने जब भी कुछ अखबार में प्रॉब्लम निकले उसको मैं अपने पेपर पे लिखता था 24 साल पहले, और उसमें पांच बार वाई लगाता था। तो पेपर में समस्या निकलती है कि समाधान? क्या निकलता पेपर में? समस्या। कोई भी पेपर उठा लीजिए उसमें समस्या 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 होती है। कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए उसमें समस्या दिखाई जाती है। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें क्या दिखाते हैं? समस्या। तो मैंने उस समस्याओं की वाई वाई एनालिसिस शुरू किया तो हमें यह समझ में आया 80% समस्याओं का जो मूल कारण है वह है घटिया कानून। 80% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून। या तो कानून है नहीं और या तो कानून घटिया, दो ही चीज है बस। आपके पंजाब में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा कोई जिला है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा आपके पंजाब में? 23 जिले में से कोई एक जिला बताइए जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा। मैंने गूगल रिसर्च किया, 23 के 23 जिले में धर्मांतरण हो रहा। अमृतसर में भी धर्मांतरण हो रहा है, बरनाला में भी हो रहा है, भटिंडा में भी हो रहा है, फरीदकोट में भी हो रहा है, फतेहगढ़ साहिब में भी हो रहा है, फजिलका में भी हो रहा है, फिरोजपुर में भी हो रहा है, गुरदासपुर में भी हो रहा है, होशियारपुर में भी हो रहा है, जालंधर में भी हो रहा है, कपूरथला में भी हो रहा है, लुधियाना में भी हो रहा है, मलेरकोटला में भी हो रहा है, मलेरकोटला से पूरा आपका गया, मनसा में भी हो रहा है, मोगा में भी हो रहा है, पठानकोट में भी हो रहा है, पटियाला में भी हो रहा है, रूपनगर में भी हो रहा है, संगरूर में भी हो रहा है, आपके मुख्तार साहिब में भी हो रहा है, तरन तारण में भी हो रहा है। कोई जिला बचा है क्या जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा? अच्छा, पूरी दुनिया में धर्मांतरण हो रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। चीन में धर्मांतरण होता है क्या? सिंगापुर में होता है क्या? जापान में होता है क्या? कोरिया में होता है क्या? तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज समस्या तो नहीं है। और आजकल तो यूपी में भी नहीं हो रहा, बाकी तो छोड़ दो,
पिछले 4-5 साल से यूपी में भी नहीं हो रहा है, और होता है तो बुलडोजर चलता है। आपके इधर बुलडोजर चल रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या नहीं है, धर्मांतरण लाइलाज समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया की समस्या नहीं है, ये केवल हमारे भारत की समस्या। 350 साल पहले सिख पंथ की स्थापना किस लिए हुई थी? धर्मांतरण रोकने के। तो मुगल काल में भी धर्मांतरण हो रहा था, ब्रिटिश काल में भी धर्मांतरण हो रहा है, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। शासक तो बदल रहे, पहले मुगल शासक थे, फिर अंग्रेज शासक थे, फिर आप भारत के लोग शासक कर रहे हैं। और शासन में भी कभी कांग्रेस ने शासन किया, कभी एसएडी ने किया, और आज की डेट में आम आदमी पार्टी कर रही है। धर्मांतरण में कमी आ रही है क्या? इसका मतलब डॉक्टर तो बदल रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक। अब डॉक्टर बदलते रहे और बीमारी ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर दवाई नहीं बदल रहे, इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर, और एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर कोई बीमारी ठीक नहीं करता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर क्या जाती है? ऐसे ही भ्रष्टाचार अपराध शासक नहीं बदलता, भ्रष्टाचार अपराध कम करता है कानून। आप कल्पना करिएगा, जहां बहुत बड़े लोग बुजुर्ग बैठे, आप एक बार याद करिएगा, जितने मुख्यमंत्रियों को याद कर सकते हैं याद करिए, और बताइए किस मुख्यमंत्री के समय में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, किस मुख्यमंत्री के समय धर्मांतरण खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, अभी चल रही है। मैंने कहा कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से केवल धर्म नहीं बदलता, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से रीति रिवाज बदलता है, धर्मांतरण से संस्कार बदलता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है। धर्मांतरण करने के बाद कल तक जो अपना भाई होता है वही अपना दुश्मन बन जाता है। इसलिए धर्मांतरण कोई छोटी समस्या नहीं है। और एक बात और, न मुगल यहां बिजनेस व्यापार करने आए थे, राज करने आए थे, न अंग्रेज बिजनेस व्यापार करने आए थे, राज करने आए थे। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, लेकिन धर्मांतरण कराने के लिए सत्ता चाहिए होती, इसलिए पहले उन्होंने सत्ता हथियाया और सत्ता के बाद कन्वर्जन कराया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अंग्रेजों को सेटल किया, अंग्रेजों ने सत्ता हथियाई, फिर उन्होंने कन्वर्ट कराना शुरू किया। अगर मुगल धर्मांतरण कराने आए होते, अगर मुगल शासन करने आए होते, तो एक बार अगर राज शासन मिल गया तो शासन करते रहते, फिर मंदिर क्यों तोड़ते, फिर जनेऊ क्यों उखड़वाते, फिर कन्वर्ट क्यों करते? तो मुगल यहां पे शासन करने नहीं आए थे, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। वही हालत ब्रिटिश का भी रहा। यह हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया कि वो भी राज करने आए थे, वो भी राजा, दोनों राज करने नहीं आए थे। दोनों का अल्टीमेट टारगेट था भारत के लोगों को कन्वर्ट करना। अब दुर्भाग्य आप देखिए, दोनों चले गए, हमारे वाले शासन में आ गए, इसके बाद भी धर्मांतरण नहीं रुका। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। यहां अधिवक्ता कितने बैठे हुए? अधिवक्ता बंधु बैठे हुए? आप बैठे हुए। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, जोर से बोलिए जरा।
और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए बोलते हैं उसको। लेकिन राज्य सरकारें, यूपी के अलावा और कोई भी राज्य सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए का यूज ही नहीं कर रहे। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। लेकिन आपकी पंजाब में कभी आज तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ न एनएसए लगा न यूएपीए लगा। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, संगठित अपराध है, एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग मिलकर करते हैं। कोई लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई जगह उपलब्ध कराता है, कोई पैसा उपलब्ध कराता है, कोई और कुछ उपलब्ध कराता है, कई लोग मिलकर करते हैं। और जो अपराध संगठित रूप से किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, उसके निपटने के लिए हमारे पास एक गैंगस्टर एक्ट है। लेकिन पंजाब में आज तक किसी भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी बदली जाती है, और यही काम तो मुगल भी कर रहे थे, धर्मांतरण करा के डेमोग्राफी बदल रहे थे। यही काम अंग्रेज किए, कन्वर्जन कराया, डेमोग्राफी बदली, और यही काम आज भी हो रहा है। वेजिंग वॉर के लिए हमारे पास एक धारा है, और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है। लेकिन पंजाब में आज तक कभी वेजिंग वॉर की धारा लगाई नहीं गई, आज तक लगी नहीं। और जब लगी नहीं तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? अगर बुखार बढ़ता है तो डोज बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता? जोर से बोलिए जरा। अगर बुखार कम होता है तो 500 mg की दवा दी जाती है, बुखार थोड़ा ज्यादा होता है तो 650 वाली दवा दी जाती है, पैरासीटामोल। अल्टीमेटली बीमारी अगर ज्यादा होती तो डोज बढ़ाते चले जाते। यहां गुरुओं की धरती पे धर्मांतरण होता जा रहा है, सारे जिलों में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन दवाई की डोज नहीं बढ़ाई जा रही है। दवाई की डोज बढ़ाना छोड़ो, जो दवाई है वो भी नहीं लगाई जा रही है। धर्मांतरण एक दिन में बंद हो सकता, एक दिन में। मैं आज पंजाब की धरती से दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं, कल से पंजाब में धर्मांतरण हो जाएगा। पंजाब की सरकार एक कानून बना दे, जो धर्मांतरण कराएगा 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास फांसी देंगे। कल से धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जोर से बोलिए जरा। और कानून बनाने की कोई लागत है क्या? कानून बनाने की कोई लागत है क्या? और ये मुख्यमंत्री और विधायक होते किस लिए? कानून बनाने के लिए होते। अरे जैसे ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है दवाई देना, टीचर का काम है पढ़ाना, मिस्त्री का काम है दीवार बनाना, मोची का काम है जूता ठीक करना, नाई का काम है कपड़े सिलना, नाई का काम है बाल काटना, दर्जी का काम है कपड़े सिलना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या? संविधान में सांसद विधायक को क्या बोलते हैं? लॉ मेकर। लॉ मेकर मतलब कानून बनाने वाला। कानून ऐसा होना चाहिए बीमारी ठीक हो जाए। ये सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को जो वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता किस काम के लिए? इस संविधान के अनुसार काम करने के लिए। ये संविधान भारत का है, ये अमेरिका का संविधान है कि भारत का? जोर से बोलिए जरा। भारत का है। तो भारत के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हो उनके खिलाफ कठोर कानून बनाना ये सरकार का काम है। जिस दिन पंजाब की सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगाना शुरू कर देगी, यूएपीए लगाना शुरू कर देगी, वेजिंग वार की धारा लगाना शुरू कर देगी, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर देगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर देगी, नागरिकता खत्म करना शुरू कर देगी, आजीवन कारावास फांसी देना शुरू कर देगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं
आपके पंजाब में किसी मिशनरी और जिहादी की हिम्मत नहीं है किसी एक व्यक्ति को कन्वर्जन कराए। अब तरीका क्या है? तरीका यह है, इसके लिए आवाज उठाइए। आवाज कैसे उठाएंगे? सब लोग काम धाम करने वाले, अपने अपने धंधा व्यापार में लगने वाले लोग हैं, एक काम करिए, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जरा कितने लोग करते हैं, हाथ उठाइए जरा। सब लोग करते हैं सोशल मीडिया का उपयोग, फेसबुक का उपयोग कितने लोग करते हैं? आप 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। मैं 5,000 क्यों कह रहा हूं? 5,000 इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके 500 फेसबुक फ्रेंड होंगे तो आप जो बात लिखेंगे उसको 500 लोग पढ़ेंगे। आपके अगर 2,000 फेसबुक फ्रेंड होंगे, आप जो बात लिखोगे उसको 2,000 लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको 5,000 फ्रेंड बनाने की छूट मिली हुई है तो 5,000 बनाइए। जो बात आप यहां बटाला में लिखेंगे 5,000 लोग पढ़ेंगे। दिल्ली वालों को भी फ्रेंड बना लीजिए, भटिंडा वालों को भी बना लीजिए, यूपी वालों को भी बनाइए, बिहार वालों को भी बनाइए। समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थाई समाधान लिखिए। बड़ी सीधी सी बात है, भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो डिमांड होता है वो सप्लाई होती है। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवा बदलने से बीमारी ठीक होगी। और दवाई बदलने के लिए दवाई की मांग करिए, आप लिखना शुरू करिए। धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ, वेजिंग वार की धारे लगाओ, प्रॉपर्टी जब्त करो, नागरिकता खत्म करो, आजीवन कारावास फांसी दो, रुक जाएगा धर्मांतरण। अदरवाइज धर्मांतरण नहीं रुकेगा।